कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रिमशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कैरालोन की स्टिक के बारे में। बहुत सी गर्ल्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कैरालोन की जो स्टिक है उसका रिव्यू कर दें एंड उसके बारे में बता दें। सो मैंने जो ये है रिक्वेस्ट आप लोगों की पेंडिंग इसलिए रखी हुई थी, ये वीडियो मेकअप से शूट इसलिए नहीं करी थी बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे पास कैरालोन की स्टिक्स के मैं एक दो शेड ले लूँ एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को उसका रिव्यू कर दूँ। सो मेरे पास एक ही मेरी जो है शेड है क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ मोस्टली, और वो भी मैंने आज से 2 साल पहले ही ली थी और मेरी अभी तक वो चल रही है। और जो है मोस्टली शादियों वगैरह पे जो जाना होता है मैं उसी को ही यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादा जो है मैं स्टिक यूज़ नहीं करती, मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ कहीं पे भी तैयार होने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। सो जो है अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और आप लोग रिक्वेस्ट करें मैं पूरी ना करूं ये हो नहीं सकता, दैट्स वाई मैंने जल्दी से इस वीडियो को शूट करने का सोचा है। तो आज की वीडियो में यही आप लोगों को मैं रिव्यू करने वाली हूँ, उसका तरीका बताने वाली हूँ इसको किस तरह से यूज़ करना है। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कैरालोन एक बहुत बड़ी ब्रांड है एंड उनके बहुत सारे जो हैं दूसरे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक उनके कंसीलर्स, ट्रांसलूसेंट पाउडर उनका बहुत अच्छा है, पैन केक्स, आई लाइनर। कैरालोन का जो आई लाइनर है एक्वा लाइनर, वो आप सब लोग उसको यूज़ किया हुआ होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने यूज़ किया होगा। एंड ये जो है इसमें जो इसकी कीवी पेंट स्टिक जो है उसके 250 शेड्स हैं। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि उनके 250 शेड हैं, तो आपकी स्किन टोन जिस टाइप की है, मीन्स जो आपका स्किन टोन है, कलर है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड ले सकते हैं। तो जब आप उसको ख़रीदने के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे टेस्टर ऑफ होते हैं, हर शॉप पे टेस्टर होते हैं। तो उसको ख़रीदने से पहले बेहतर है कि आप अपनी स्किन पे उसको चेक कर लें कि आपकी स्किन को कौन सा सूट करता है। सो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वहाँ शॉप्स पर खड़े होकर आप आराम से अपने फेस पर लगाएं, लेकिन मेक श्योर ये करें कि जब अपने फेस पे आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको अपनी नेक तक आपने लाना है, क्योंकि हमारा जो तो अपने फेस के अकॉर्डिंग लेते लेते नेक का भी ख्याल करना है कि आपके नेक का क्या शेड है, उसी हिसाब से आपको वो ख़रीदना चाहिए। अच्छा, वैसे कैरालोन की 250 शेड हैं, इतने ज़्यादा शेड हैं, तो उसमें ये भी हो एक किस्म का नुकसान हो जाता है कि इतने ज़्यादा शेड में अपना कलर टोन जो है वो चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड क्योंकि इनके जो नेम्स हैं, मींस जो शेड के नेम है वो प्रॉपर कोई नेम नहीं है एंड नंबर वाइज दिए हुए थे, दैट्स वाई बहुत मुश्किल हो जाती है 250 शेड में से अपना शेड जो है वो चूज़ करना। सो मोस्टली आप लोगों ने प्रोफेशनल्स को देखा होगा जो कि प्रोफेशनल मेकअप करते हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान के किसी भी पार्लर पे चले जाते हैं वहाँ पे जो ब्राइडल को वो जो फाउंडेशन लगाते हैं वो यही टीवी पेंट स्टिक की होती है। एंड उसमें वो आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो दो शेड्स को आपस में मिक्सअप करके उसका स्किन टोन बनाते हैं, तो दैट्स वाई क्योंकि एक चीज़ है कि सेम कलर हमें चाहिए होता है, इसलिए दो कलर्स को है चूज़ करना बहुत ही अच्छी बात है। उनको जब आप दो कलर को मिक्स करेंगे तो आपका स्किन टोन बन जाएगा। एंड उसके अलावा इनकी एक ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि आपको टीवी पेंट स्टिक में ही आपको करेक्टर भी मिल जाएगा, कंसीलर भी मिल जाएगा एंड उसके अलावा फाउंडेशन भी मिल जाएगा और कंटूर का कलर भी आपको मिल जाएगा। सो इनकी रेंज में कूल एंड वार्म ट्यून जो है वो दोनों अवेलेबल हैं। तो इनकी जो W सीरीज़ है वो पिंकिश टोन में आते हैं, यानी कि वो वार्म टोन में आते हैं। जैसे जैसे उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे उनका शेड डार्क होता जाता है। इस तरह इनकी जो F सीरीज़ है, F सीरीज़ में जो है येलो टोन आ जाते हैं, और येलो टोन में जो इनकी है उसमें जैसे जैसे उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो है इनका शेड लाइट होता जाता है। सो अगर आप अपना शेड जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, आप लोगों को मेकअप सिटी से वो इजीली अवेलेबल होगा, वहाँ पे मेकअप सिटी से मिल जाएगा एंड 100% ओरिजिनल होगा, ये बात है। एंड इसको चेक करने का ये तरीका है कि जब आप स्टिक लेंगे, सो ये मेरी काफ़ी पुरानी है दैट्स वाई इसकी ये हालत है, वहाँ पर आपको इधर स्टिकर दिया हुआ होगा एंड स्टिकर के ऊपर स्क्रैच कोड दिया होगा। जब आप इसको स्क्रैच करेंगे, सो मेरे पास एक ये रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है क्रायलोन की एक्वा कलर बेस वाटर बेस। तो यहाँ देखें इस तरह ये स्क्रैच का तरीका इन्होंने दिया हुआ है, तो जब आप स्क्रैच करेंगे एंड उसी टाइम 8833 पे वो कोड सेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल है। सो इसमें जो मेरा शेड है वो है ये FS 38। सो मोस्टली जो इसमें रनिंग कलर हैं वो यही है 38, 36 एंड 45, तो ज़्यादातर यही कलर ही चलते हैं।
सो अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आपके इस एरिया में बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो ऑरेंज टोन वाला आप आता है शेड, आप पहले वो ले लें। तो जो है उसको आप अपने हाथ के या किसी भी चीज़ की हेल्प से आंखों के नीचे लगाएं, ये लगाएं, एंड उसके अलावा आपका जो शेड है आप वो इसको अप्लाई करें, तो जो आपकी पिगमेंटेशन हुई हुई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो इसको यूज़ करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये तरीका है कि आपका फेस जो है पहले अच्छी तरह मॉइस्चराइज हुआ होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है सो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी मिकदार में लगाना पड़ेगा अपना जो है मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद, वरना अगर आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे थोड़ी देर बाद पैचेस पड़ जाएंगे और लाइंस पड़ जाएंगी जो कि बहुत बुरी दिखती हैं। सो मैं आपको अपना जो है वो कर लेती हूँ, मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, रिवाज का प्राइमर। सो मैं प्राइमर अपना फेस प्राइम कर लेती हूँ एंड उसके बाद इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने अपने फेस जो है वो अच्छी तरह से मैंने प्राइम कर लिया, अपने फुल फेस पे मैंने प्राइमर लगा लिया। अब मैं लूँगी इस तरह से स्टिक, आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लगा सकते हैं एंड उसके बाद इसको वेट स्पंज की हेल्प से आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मुझे तरीका अच्छा लगता है वो ये लगता है मैं इस तरह स्पंज पे इसको लगा लेती हूँ एंड जहाँ जहाँ मुझे फील होता है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ मैं ज़्यादा अप्लाई कर देती हूँ एंड जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ मैं कम लगा देती हूँ। सो अगर आप इसको फुल कवरेज चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप वाटर बेस्ड लाजमी यूज़ करें। अगर आप खाली यही लगाएंगे एंड अगर आप फुल कवरेज तो आपको हल्का हल्का लगाना चाहिए अगर खाली आप यही लगा रहे हैं, एंड अगर फुल कवरेज आपको चाहिए जिस तरह ब्राइडल्स को फुल कवरेज दी जाती है, सो डेफिनेटली आपको उसके बाद ये जो वाटर बेस है ये लगानी पड़ेगी ताकि क्रैकिंग ना हो एंड लाफ लाइन्स जो हैं वो ना बने। अच्छा, इसके ओरिजिनल होने की एक निशानी ये भी है कि ये बहुत सॉफ्ट होती है, ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है एंड इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। सो ये ओरिजिनल है, जो फेक होगी नकली होगी, एक तो उसका ये वाला जो हैंडल है वो बहुत हार्ड होगा एंड उसके अलावा वो इतनी सॉफ्ट नहीं होगी। सो मैंने इसको अपने फेस पे इस तरह मैं लगा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिंगर की हेल्प से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ एंड फिर उसको स्पंज की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो अगर आप इसको पहले ही अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा लेंगे तो इसको फैलाना और ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। और अगर आप इसको फौरन यानी थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो फिर आपकी ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो इसलिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे स्टॉक लेके इसको इस तरह से फैला लें। तो आपने देखा इसका जो मेरा ये वाला जो शेड है FS38 वो मेरी नेक से मैच करता है। सो इसीलिए जो है मुझे इतना ज़्यादा नेक पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर मेरी नेक पे बहुत ज़्यादा अगर मेरी नेक और इसमें फ़र्क होता तो मुझे भी नेक पे भी अप्लाई करना पड़ता, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसका शेड चूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको ब्लेंड करने में। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह अपने फेस पे ब्लेंड कर लिया है, अब ये मेरे फेस पे एक शाइन सी आ रही है। सो जो है लोगों को ये शाइन बहुत पसंद आती है, उनको बहुत अच्छी लगती है कि हमारे फेस पे शाइन आनी चाहिए, लेकिन इसकी जो शाइन है वो आप दोबारा से हाइलाइटर वगैरह यूज़ करके दोबारा अपनी शाइन लेकर आ सकते हैं। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे ट्रांसलूजेंट पाउडर। सो जो पाउडर है लूज़ पाउडर, ट्रांसलूजेंट पाउडर जो भी है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और जो लाफ लाइन्स बन जाती है एंड क्रैकिंग हो जाती है उससे बचने के लिए। सो ट्रांसलूजेंट पाउडर के लिए मैं ले रही हूँ डिबे का ये वाला पाउडर एंड मैं इसको जो है ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि जो है मेरी ये जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और क्रैकिंग वगैरह ना हो। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो पार्ट है वो स्किप आप नहीं कर सकते। अब देखें मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है।
सो जो है हमारा फाउंडेशन अप्लाई हो गया अच्छी तरह एंड उसको जो है मैंने बेक भी कर लिया है ट्रांसलूजेंट पाउडर से। आई होप आप लोगों के लिए ये जो मेरी वीडियो है जो मेरी मेहनत है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो डेफिनेटली आप मुझे ई कमेंट कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेट के, तो मैं आपको आंसर करूँगी हर हाल में करूँगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।